गाइज, ये है वन प्लस 8 प्रो और इस फोन को मैं पिछले 15 दिनों से कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ अपना प्राइमरी डिवाइस। और आप लोग में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी सारे लोग हो सकता है इस फोन को लेने का प्लान बना रहे होंगे नेक्स्ट 2 से 4 दिनों में, या फिर इस वीक में आप लेने का प्लान कर रहे होंगे हो सकता है, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर आप लेने का प्लान कर रहे होंगे इस फोन को, मीन्स वन प्लस 8 प्रो को। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस फोन से आपको कैसी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, चाहे आप इस फोन को न्यू लेते हो या फिर सेकेंड हैंड लेते हो। वैसे ये फोन आपको नया देखने को मिल जाता है अमेज़न पर 48,000 से 49,000 के आसपास में। तो अगर आप न्यू फोन लेते हो या फिर सेकंड हैंड लेते हो, दोनों ही कंडीशंस में आपको कैसी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी OnePlus 8 Pro में, वो आज आप जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये सजेशन देना चाहूंगा एक छोटा सा कि आज के डेट में अगर आप सोच रहे हो OnePlus 8 Pro न्यू पीस लेने का, जो कि आपको 48 से 50,000 के आसपास में देखने को मिलता, तो मेरे हिसाब से वो उतना वर्थ नहीं रहेगा आपके लिए। उसके जगह इस फोन को अगर आप सेकंड हैंड परचेस करते हो कहीं से बेटर डील में, तो वो ज्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर डिवाइस रहेगा। क्योंकि मैंने भी इस फोन को सेकंड हैंड ही परचेस किया है, काफी अच्छे डील में मिल गया मुझे 28,000 का, 8 GB रैम 128 GB वाला वेरिएंट। तो मेरे हिसाब से मुझे काफी अच्छा डील मिल गया, वो भी काफी अच्छे कंडीशन में। लेकिन फिर भी आप न्यू ही लेना चाहते हो तो फिर आपको कैसी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फोन में हमें बैटरी एमएच कितनी देखने को मिलती है। तो इस फोन में हमें देखने को मिलती है 4500 mAh की बैटरी, और इस फोन के साथ में हमें 30 W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते कि आपको बैटरी बैकअप कैसे देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 3 कैटेगरी के यूजर्स होते हैं। पहला, जो कि अपने फोन को बहुत ही ज्यादा कैजुअल यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज करते हैं, लाइक अपने फोन में कॉल्स वगैरह अटेंड करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम थोड़ा बहुत फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह यूज कर लेना, बस इतना ही काम होता है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि अपने फोन में बहुत ही कम गेमिंग वगैरह करते हैं, अगर करते भी है तो सिर्फ टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेते हैं, या फिर बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन अपने फोन को बहुत ही ज्यादा हेवी यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, काफी ज्यादा यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर वगैरह दिन भर यूज करते रहना है कुछ ना कुछ सोशल मीडिया वगैरह में। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं सिर्फ गेमर्स लोग, जो कि किसी भी फोन को लेते हैं सिर्फ गेमिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक न्यू स्मार्टफोन लेते हो तो आपको कैसी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो, मतलब कि अपने फोन को बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज करते हो, लाइक सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा बहुत एकदम यूज करना और कॉलिंग वगैरह का काम करना, तो उस केस में आपको इस फोन से आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाए इस फोन से। और हाँ, आपको ये भी बताता हूँ कि इस फोन में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। ये मैं जितने भी आपको रिजल्ट्स बताऊंगा कि आपको कैसी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी कौन से कैटेगरी में, वो मैं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑन रखने के बाद के ही रिजल्ट्स बताऊंगा। तो आप किसी भी केस में थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप बचाना चाहते हो तो आप 60 हर्ट्ज को यूज कर सकते हो, उसे आपका थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप बच जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप एक सेकंड कैटेगरी के यूजर हो, मीन्स अपने फोन को बहुत ही ज्यादा रफ यूज करते हो, सोशल मीडिया वगैरह दिन भर यूज करते हो, फोन से दिन भर चिपके हुए रहते हो, तो फिर आपको कुछ ऐसा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा कि अगर आपके फोन में सुबह 9 बजे 100% चार्ज है और आप यूज करना स्टार्ट करते हो उस टाइम के बाद से, तो शाम के 6 बजे 7 बजे तक में आपके फोन की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी, मींस 10 से 15% के बीच में आ जाएगी आपके फोन की परसेंटेज। और अगर आप एक गेमर हो, स्पेशली गेमिंग के लिए इस फोन को लेते हो, तो आपको आधे घंटे की कंटिन्यूअस गेम प्ले में 7 से 9% तक की बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगी, और कंटिन्यूअस 1 घंटे में आपको 18 से 19% तक की बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितनी देर खेल सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप एक सेकंड हैंड OnePlus 8 Pro लेते हो तो फिर आपको कैसी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। वैसे ये जो मेरे पास सेकंड हैंड OnePlus 8 Pro है, ये भी मैंने सेकंड हैंड ही परचेस की है, ये ऑलमोस्ट 1 साल पुराना फोन था लेकिन काफी अच्छे कंडीशन में था, जिसकी वजह से मैंने इस फोन को मतलब देखते ही ले लिया था। तो मैं अपने ही बेसिस पे आपको बताऊंगा कि मुझे कैसी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है सेकंड हैंड OnePlus 8 Pro से। तो अगर आप एक फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो, मतलब अपने फोन को बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज करते हो, कैजुअल यूज करते हो बहुत ही ज्यादा, तो आपको ऑलमोस्ट 1 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा अगर आपका फोन 1 साल लगभग में पुराना है तो। कभी कभी किसी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ज्यादा भी देखने को मिल जाए, किसी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम भी देखने को मिले, कि रात के 9 बजे 10 बजे तक में बैटरी आपको डेड देखने को मिल रही हो। और अगर आप एक सेकंड कैटेगरी के यूजर हो, मतलब कि अपने फोन को बहुत ही ज्यादा रफ यूज करते हो, सोशल मीडिया वगैरह काफी ज्यादा यूज करते हो, वैसे मैं भी एक सेकंड कैटेगरी का ही यूजर हूं, काफी ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे बिजी रहता हूं, दिन भर कुछ ना कुछ यूज करते रहना है फोन में, इसी में मेरा मन लगा हुआ रहता है, तो उस बेसिस पे अगर मेरी फोन की बैटरी सुबह 9 बजे 100% चार्ज है तो मुझे शाम के 3 बजे 3:30 4 बजे तक में फिर से एक बार फोन को फुल चार्ज में लगाना पड़ जाता है। फिर उसके बाद फुल चार्ज होने के बाद में जब मैं फिर से यूज करना स्टार्ट करता हूं तो फिर रात के 8 8:30 9 बजे तक में फिर से मतलब फोन की जो बैटरी है वो 15 से 20% के आसपास में आ जाती है, तो फिर से मुझे फोन को दोबारा चार्ज में लगाना पड़ता है। तो ऐसी कुछ आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी अगर आप एक सेकंड हैंड OnePlus 8 Pro लेते हो
सेकंड कैटेगरी के यूजर हो तो, और अगर आप एक थर्ड कैटेगरी के यूजर हो, काफी ज्यादा गेमिंग करते हो, स्पेशली गेमिंग के लिए ही फोन को लेना चाहते हो, तो अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो या फिर सीओडी वगैरह खेलते हो तो आधे घंटे के कंटिन्यू गेम प्ले में आपको 10-11% तक की बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगी वन प्लस 8 प्रो में, और एक घंटे की कंटिन्यूअस गेम प्ले में आपको जो बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगी वो 21-23% के आसपास में आपको देखने को मिलेगी बैटरी ड्रॉप। कुछ इस तरह की आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी दोनों ही कंडीशंस में अगर आप वन प्लस 8 प्रो लेते हो तो, चाहे आप न्यू लो या फिर सेकंड हैंड लो। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस फोन की, वो है इस फोन की चार्जिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, जानता हूं अभी के कंपैरिजन में काफी कम है, जहां पे अभी आपको 65 वॉट, 67 वॉट, 120 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, इसमें आपको सिर्फ 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन 35-40 मिनट्स में आपका फोन जो है वो ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो जाता है, तो फिर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा जो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस फोन को यूज करने में, हाँ दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन फोन में आपको बैटरी बैकअप भी अच्छी ही देखने को मिलेगी, उतना ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अगर आप एक बहुत ही ज्यादा रफ यूजर नहीं हो तो। फिर होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको आपका डिसीजन लेने में हेल्प हुआ हो कि आपको वन प्लस 8 प्रो के लिए जाना है या फिर नहीं जाना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब की तो बिल्कुल भी मत जाना। मिलता फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।